हेलो दोस्तों, अगर आप जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट लिस्ट के बारे में जो कि हमने बनाई है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको अपने फर्स्ट गिवअप के बारे में भी बताना चाहूँगा। दोस्तों, हम बहुत ही जल्द 100K सब्सक्राइबर यानी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं और 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर हम अपने सब्सक्राइबर में से किसी एक सब्सक्राइबर को 5,000 रुपीज़ कैश देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी दोस्त ये 5,000 रुपीज़ जीतना चाहता है तो उसको कोशिश करनी होगी कि जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उन पर पहला लाइक और पहला दूसरा या फिर तीसरा कमेंट लिखना होगा। तो जितनी ज़्यादा वीडियोस पे आप पहला लाइक, पहला दूसरा या तीसरा कमेंट लिखने की कोशिश करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके बनेंगे ये 5,000 रुपये जीतने की। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आज 8th अगस्त 2022 है और आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंगम इंग्लैंड में हुई थी वो इख्तिताम यानी एंड हुई। इन गेम्स में इंडिया के किस किस सपोर्ट्स पर्सन ने कौन कौन सा मेडल जीता वो हम आज आपके लिए लाए हैं और इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन इन गेम्स से रिलेटेड इसी वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कैसे मिलेगी वो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की इंपॉर्टेंट समरी बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया ने कुल मिलाकर 61 मेडल जीते। इनमें से इंडिया ने 22 गोल्ड मेडल जीते, 16 सिल्वर मेडल जीते और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते। दोस्तों, इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संकेत शर्मा ने जीता और इन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता मीराबाई चानू ने। जेरेमी लल रिनुनगा इंडिया के फर्स्ट मैन बने जिन्होंने टॉप पोडियम हासिल किया बर्मिंगम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इसी तरह पैरा सपोर्ट्स में सुधीर ने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, साल 2022 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑफिशियली 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है और इसकी होस्ट कंट्री थी बर्मिंगम इंग्लैंड और इसका मोटो था सपोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 28 जुलाई 2022 को और क्लोजिंग सेरेमनी आज यानी 8 अगस्त 2022 को हुई। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के होने के बाद इंग्लैंड ने कॉमनवेल्थ गेम्स को ये तीसरी बार होस्ट किया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टॉप 5 कंट्रीज के बारे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किए इन गेम्स में। तो नंबर 1 पे रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिला के 67 गोल्ड मेडल जीते, 57 सिल्वर मेडल जीते और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल ऑस्ट्रेलिया ने 178 मेडल जीते। इसके बाद दूसरे नंबर पे रहा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने गोल्ड मेडल टोटल नंबर में 56 जीते, सिल्वर इन्होंने 65 जीते और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 53 जीते और इस तरह इंग्लैंड ने कुल मिलाकर 175 मेडल जीते। और तीसरे नंबर पे रहा कनाडा। कनाडा ने 26 गोल्ड मेडल जीते, 32 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज और टोटल 92। और चौथे नंबर पे रहा इंडिया। इंडिया ने इन गेम्स में गोल्ड मेडल जो हैं टोटल 22 जीते, 16 इंडिया ने सिल्वर मेडल जीते और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इस तरह इंडिया ने कुल मिलाकर 61 मेडल जीते। और पांचवे नंबर पे रहा न्यूजीलैंड जिसने 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज और टोटल 59 गोल्ड सॉरी मेडल जीते। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ से आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं।
अगर हम इस में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने कुल मिलाकर 2 गोल्ड मेडल जीते, 3 सिल्वर मेडल जीते, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते और कुल मिलाकर पाकिस्तान ने इसमें 8 मेडल जीते। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इंडिया ने किस सपोर्ट में कितने मेडल जीते। तो इंडिया ने रसलिंग में कुल मिलाकर 10 मेडल जीते, जिसमें इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते और जूडू में इंडिया ने कुल मिलाकर 3 मेडल जीते, जिसमें इंडिया ने 2 सिल्वर मेडल जीते और कोई गोल्ड नहीं। इसी तरह लॉन बॉल में इंडिया ने कुल मिलाकर 2 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड है। इसी तरह टेबल टेनिस में इंडिया ने कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल जीते और टोटल इंडिया ने 5 मेडल जीते। बैडमिंटन में इंडिया ने 3 मेडल जीते और कुल मिलाकर 6 मेडल जीते। और इसी तरह दोस्तों स्क्वाश में इंडिया ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और टोटल भी 2 मेडल जीते इस स्पोर्ट्स में। पैरा पावर लिफ्टिंग में इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता। एथलेटिक्स में इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल मिला के 8 इसमें जीते इंडिया ने। रसलिंग की अगर हम बात करें तो रसलिंग में इंडिया सबसे आगे रहा। रसलिंग में इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल हासिल किए, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर रसलिंग में इंडिया ने 12 मेडल जीते। बॉक्सिंग में इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और कुल मिला के 7। पैरा टेबल टेनिस में 1 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 2। और इसी तरह अगर हम बात करें हॉकी की तो हॉकी के लिए इंडिया ने जीता, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, कुल मिला के इंडिया ने इसमें 2 मेडल जीते। और इसी तरह क्रिकेट में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह दोस्तों अब ये आप देख रहे हैं, ये हैं उन सारे खिलाड़ियों के नाम, एथलीट्स के नाम, जिन्होंने अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह के मेडल जीते। और ये आप खुद पढ़ सकते हैं और आप इस पीडीएफ को मैं चाहूँगा कि डाउनलोड करें और आगे ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम गोल्ड की बात करें तो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता विमेन्स 49 कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग के लिए। इसी तरह जेरेमी ने गोल्ड मेडल जीता मेन्स 67 कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में। और इसी तरह अर्चिता शोली ने गोल्ड मेडल जीता मेन्स 73 केजी कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में। इसी तरह इंडियंस मेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता लॉन बॉल में, तो वो भी आपको हमने बताया। इसके बाद इंडिया मेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता मेन्स टीम टेबल टेनिस में। सुधीर ने गोल्ड मेडल जीता जो हमने अभी कहा पैरा पावर लिफ्टिंग में, मेन्स हैवी वेट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता विमेन्स 62 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता 86 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। रवि कुमार दया ने गोल्ड मेडल जीता 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता विमेन्स 53 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। नवीन ने गोल्ड मेडल जीता 74 फ्री स्टाइल रेसलिंग में। नीतू गेंगिस ने गोल्ड मेडल जीता विमेन्स 48 मिनिमम वेट बॉक्सिंग में। अमित फंगाल ने गोल्ड मेडल जीता 51 kg फ्लाई वेट बॉक्सिंग में। इसके अलावा एल्डोस पॉल ने गोल्ड मेडल जीता मेन्स ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में। निकहत जरी ने गोल्ड मेडल जीता 50 kg लाइट फ्लाई वेट बॉक्सिंग में। और शरत कमल शिरजा अकुला गोल्ड मेडल जीता मिक्स्ड डबल टेबल टेनिस में। पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता विमेन सिंगल बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता मेन सिंगल बैडमिंटन में। सत्विक सहराज और चैराग शेट्टी ने गोल्ड जीता मेन्स डबल बैडमिंटन में। शरत कमल ने गोल्ड मेडल जीता मेन सिंगल टेबल टेनिस में। इसी तरह है बिंदियारानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता विमेन्स 55 वेट लिफ्टिंग में। तो इसके बाद आप देख रहे हैं ये है सिल्वर मेडलिस्ट्स, और इसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं ये हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ये है संकेत सागर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता मेन्स 55 kg वेट लिफ्टिंग में।
तो दोस्तों ये थी कंप्लीट पीडीएफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में, जो कि इंडिया की परफॉर्मेंस रही और किस खिलाड़ी ने कौन कौन सा मेडल जीता। ऑलरेडी हमने आपको जो हिस्ट्री जिन्होंने क्रिएट की थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो पहली बार हुआ इंडिया के लिए, वो भी हमने आपको वीडियोस और अपनी जो कम्युनिटी पोस्ट हम करते हैं उसमें भी हमने आपको बताया है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस थी वो उससे रिलेटेड हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, वो भी आप जाकर ज़रूर चेक करें वीडियो लिस्ट में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों लास्ट में ये यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ एक ज्वाइन बटन मिल रहा होगा, तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करें और उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में पाना चाहते हैं तो ये पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी फ्री अवेलेबल कर दी जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों मैं इस वीडियो को करता हूं एंड, उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।